Thank you so much. Thank you. Thank you so much. Ready guys? Sir, really good to see you. Tell us. Good to see you too. How is the feeling all together? This is such a big success to the film, you know. Thank you, thank you. Do you thought while working on it that it will be a such a big hit, you know, in terms of commercial success, everything? Yeah. See, we always think every film we start with the feeling that it will be the biggest hit. Otherwise, you don't get up in the bed and start working on a movie. So yes, we always knew ki audience hame bahut pyar karenge. We were very savdan about that we should be honest to the film. We should make a film which is very family friendly and not vulgar. So if we keep that sense, I knew that the audience will support, but itna love milega ye bahut dream like. Okay, ना दोनों वर्जन आपने डायरेक्ट किए हैं और हिंदी में करना ये अपने आप में बहुत मतलब बहुत काबिले तारीफ बात है. हाउ यू मैनेज दिस यू नो साउथ आई अंडरस्टैंड बट यू नो व्हेन वी टॉक अबाउट हिंदी देयर इज अ मिलियन ऑफ यू नो नॉट इंडियन. हाउ यू मैनेज टू डू दैट? या आई अभी आप जब कह रहे हैं अभी मुझे वो इतना डिफिकल्ट लग रहा है कि यू नो समटाइम्स व्हेन यू क्रॉस अ माउंटेन देन यू लुक बैक एंड फिर ओह ये इतना बिग. या सो द थिंग इज दैट इट इज अ वेरी टफ थिंग. But luckily it has happened in a right way. So Anand ji, hindi se hi baat karna sari aaj. Thank you. Perfect entry. Have fun. Yeah, I'll come. Main aa raha hu. Ye perfect timing hai. So ye perfect timing tha because he was there. I know that as long as I do a job of directing this movie honestly and correctly, and if he likes the film, the audience will like it. सो जैसा आपने देखा इतना लव है हमारे आसपास में वही प्यार से हम ये फिल्म किए. और मेरा हिंदी भी अभी थोड़ा बेटर हो गया ये प्रोसेस में. ओके, इज देयर अ पॉसिबिलिटी यू विल बी कमिंग विद शिवमंगल सावधान 2 और सम सीक्वल ऑफ? ओ डेफिनेटली, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड अ स्टोरी टू आनंद जी एंड it's a very interesting story, but dekhte hain, it'll again take time. There a possibility you will be coming with sequel to Shubhangal Sadhan 2? 100%, because hamare man mein ek story hai. So we were waiting for the audience to tell us ki whether they want to listen to the next story. And hame feedback mila hai ki they love Ayush and Bhumi so much, they love the character so much. So yeah, definitely I think a sequel will happen. When it will happen we don't know, but definitely Shubhar Mandir to sab ho hi gaya hai. Ek cheez aap se janana chahte hain ki aap kis cheez ko lekar savdhan ho? Ha, yahi tha ki look samjhe. Yeah, so yahi tha ki hum savdhan rahe ki ye bahut adult topic hai, तो ये बहुत एक संस्कारी मैनर से इसे हैंडल करना पड़ेगा. तो वी आर वेरी सावधान अबाउट द क्लीन एस्पेक्ट ऑफ द फिल्म, यू नो दैट इट हैज़ टू बी वेरी क्लीन फिल्म. माय फादर एंड मदर शुड बी एबल टू वॉच द फिल्म. हाँ, ये है अभी भी कुछ लोग हैं कि वो ये पिक्चर नहीं देखेंगे, उनको लगेगा कि नहीं 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 ये कैसा ये टॉपिक लेके एक क्लीन फिल्म फैमिली फिल्म कैसा बनाएंगे. तो अभी क्या हो रहा है कि पीपल आर गोइंग आउट एंड कन्विंसिंग दैट नो दिस इज अ फैमिली फिल्म, गो वॉच. सो आई थिंक दैट इज अ सक्सेस. वी आर ओनली सावधान कि वी शुड नॉट क्रॉस द लाइन एंड मेक इट वल्गर. यू नो इट शुड बी नॉटी, इट शुड बी फन, बट इट्स नॉट बी वल्गर. इन सीक्वल यू विल बी रिपीटिंग भूमि एंड सॉरी इन सीक्वल इन द पार्ट 2 यू विल बी रिपीटिंग भूमि एंड आयुष्मान. या 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 द सेम टीम, द सेम कास्ट. एंड लाइक आई सेड इट इज अ स्टोरी इन द सपोर्टिंग कास्ट. ये हां बिल्कुल, ये स्टोरी है कि जब मैं तमिल बना रहा था तो तब मैंने ये सीक्वल आइडिया सोचा था एंड बहुत मज़ेदार होगा, पर सिर्फ आइडिया ही है, कुछ स्क्रिप्ट नहीं है, तो टाइम लगेगा. थैंक यू सो मच. थैंक यू. रियली गुड टू सी यू मैम. यू नो हाउ हैप्पी यू आर विद द सक्सेस. यू नो क्या सोचा था, इतनी बड़ी कामयाब, इतनी ज्यादा कामयाब फिल्म. यही सोचा था कि अच्छा कंटेंट बनाए और जैसे हमने सोचा था ऑडियंस को वैसे ही पसंद आया, तो इसलिए हम सेलिब्रेट कर रहे हैं अपने कास्ट एंड क्रू और दोस्तों के साथ जिन्होंने ये अप्रिशिएट किया है. सो
सो बहुत अच्छा लग रहा है कि वी हैव वन मोर फेदर इन एरोस सो ओवरवेल्म्ड टुडे. ओके, वी जस्ट हैड अ वर्ड विद आरएस, द डायरेक्टर ऑफ रिमिसेड. ही इज इन प्रोसेस टू मेक द सीक्वल ऑफ द पार्ट 2 ऑफ शुभमंगल साधन. व्हाट्स योर टेक ऑन दैट? Yes, because the issue of marriage, we can get into a lot of small issues which will connect to people's heart. So that's what we are looking for. Whatever we make, if we can connect to any of us, like what is happening in our daily life, but we see it, but and if you are entertained by it, I think it's fantastic. So do you think if the sequel of Shubhmangal Sadhan will be made, it will also be on the social media? Yeah, it should be, because that's how we started. So I think that's what our aim is. Let's see what's the next. Thank you so much. Thank you so much. Sir, please. What? Something about how happy you are with the success of Flip. You know, this is something out of the box, content which is liked by everyone. You know, what's your take on that? Being a director. I mean, right from seeing the trailer to, I mean, I've seen the movie, and I love it, and I think it's. I'm really happy that it's doing well, and he's my actor in my next movie. You know, so I'm doubly happy. Okay, what is the best part you like about the film? What do you think about it? I mean, the fact that a subject like this has been done, and which makes us enjoy it and at the same time discuss these things, you know. So okay, what happened to your film, friend, sir? What was the end pipeline? What you're working on? I'm working on a film with Ayushman Khurrana. So if you can throw some light on this, I know it's too early to talk about, still working. It's not too early because we have already shot half the film, but I'm saying it's different from Shubhmangal and Bareilly Ki Barfi. It's a different movie for him. Let's see how much I manage to, do something real but thriller zone. Okay, how good the Ayushman in thriller zone, being a director? So you said that you are in how the films have been shot. He's very good. In my film, he's very good, and he's different from all this. And I love all this, but I'm also looking forward to how people react to the kind of story I'm telling. You know? Okay, which you're saying you will see him new avatar through Yes, you will see him in the new avatar. I should say it there. Is your film also based on a social topic? Sorry? Is your film also based on a social topic? On a social topic? Well, it's more kind of about good guys and bad people and so on. But yeah, it's an Indian film set in India, and so it's about our people. So yeah, it's a thriller, but it's not. Will next be Ayushman ke saath? Ek. Wait, main baat kar raha hoon abhi. Piano player. Haan, yeah. Kuch uska progress kitna hai? फिल्म अभी ऑलमोस्ट लगभग 45% कंप्लीट है. अभी एक और स्केड्यूल बचा है जिसमें ख़त्म हो जाएगी फिल्म, और दैट विल बी डूइंग. एंड दिवाली की बात करेंगे हम लोग, एंड रिलीज आई थिंक विल बी, वो मैं जानता नहीं हूँ क्योंकि आजकल इतना टफ है कॉम्पिटिशन एंड ऑल दैट, वी टू फाइंड द राइट डेट्स. वो वायकॉम का काम है. यार नो आंसर, यू आंसर इट फॉर मी ना, यू नो द आंसर. Anand sir, really good to see you. Abhi, we just had a word with the director. He said he's planning to make a part 2. What's your take on that? Again, the same thing. The day we have a story, then there is a part 2. If there is no story, there is no part 2. Anand sir, मानते हैं नॉर्थ इंडिया का जो मैजू है, जो एक खास एहसास है, वो राजना से लेकर अब तक, यू नो, तनुवेट मनु और उसके बाद में तनुवेट मनु का सिक्वल, ये आप ही लेके आए. बहुत कुछ बाकी है अभी एक्सप्लोर करने के. मैं ये नहीं कह रहा, मैं ये नहीं मानता कि ये मैं लेके आया. ये मैं ही था तो मेरे साथ आ गया, और शायद वो वजह है कि मेरे अंदर का मिडिल क्लास मेरी ऑडियंस तक पहुंच रहा है, और वो मेरी कहानियों में दिख रहा है. वो मेरी लाइफ का अपना एक बेसिक है जो मैं पहुंचा पा रहा हूं, एंड आई एम वेरी थैंकफुल कि वो इस तरह से एक्सेप्ट हो रहा है. हाँ सर, क्या आपने सोचा था इतनी बड़ी कामयाब होगी? दूसरा, सबसे डोंट यू फेल रिस्क, यू नो,
though he have done a fantastic job, you know, I'm talking the director who have done the south version, but जब हिंदी की हम बात करते हैं तो बहुत ज़बान बिल्कुल अलग हो जाती है और वो खुशबू पहुँचाना, वो बात पहुँचाना बड़ा मुश्किल सा होता है. क्या आप भी सेट पे थे? देखिए, जब भी आप कोई कहानी सुनाने जाएंगे और रिस्क तो हो गए और क्यों ना हो, चैलेंजिंग एक कहानी सुनाना, क्यों ना चैलेंजिंग, इम्पॉर्टेंट है. और अगर हम लोग ये वाला रिस्क नहीं लेंगे तो एक हमारे अंदर की ग्रोथ नहीं होगी. और इस तरह की कहानी जैसे शुभ मंगल सावधान, मुझे पर्सनली लग रहा था कि एक और कमिंग फ्रॉम अ स्टोरी सेट इन अ मिडिल क्लास वॉज इम्पॉर्टेंट टू गो दैट फार नाउ. ये बहुत ज़रूरी हो गया था हमारे लिए कि हम लोग, मेरे लिए अलग तरीके से देखी हुई कहानी थी. मेरे लिए ये वो वाला जनरेशन गैप दूर हटाने वाली बात थी. मेरे लिए ये वो वाली बात थी कि दो जनरेशन आपस में बात करके बहुत सारी चीज़ें सॉल्व कर सकती है. सो हाँ, वो रिस्क लेना, आप रिस्क लेना बोल रहे हैं, मैं उसको एक अलग तरह का इन्जॉयमेंट समझता हूँ, एक अलग तरह की कम्युनिकेशन समझता हूँ ऑडियंस के साथ, जो कि अच्छी निकली और इट्स वेरी इनकरेजिंग. इट विल मेक मी वर्क मोर हार्ड. We will be working more on more scripts which are more challenging. So very positive. With all due respect to the star cast of Badshah, you know, it's getting released at the same time and your film goes ahead, leaving aside the star cast which have such a big star in the industry. What's your take on that, sir? How do you see the success? We are a big industry. There will be number of films releasing together now, so we should accepted. And talking about Badshah and Shubh Mangal Savdhan, they are two different films. Dono bahut alag alag tarah ki kahani hai, unki apni audience hai. Aur yeah, ek badi star cast hai, ek content driven hai. So ye cheezein chalti rahengi aur har tarah ki audience hamare paas hai. Audience ko ye taiyar karna ki har tarah ki film aapko dekhne ko milegi, ye hamara kaam hai. To aapne abhi jaise kaha ki ek bahut badi star cast aur ek content driven film, aap mante hain content bhi jeet gaya star cast? मुझे हार जीत नहीं समझ में आ रही, मुझे तो ये दोनों की विक्ट्री समझ में आ रही है कि यहाँ पे हर तरह की फिल्म हमने अपनी ऑडियंस को प्रिपेयर कर लिया है और ये हमारी बैंडविड्थ बढ़ाती है कि वहीं पे ही बादशाह भी बिजनेस करती है, वहाँ पे शुभ मंगल सावधान भी बिजनेस करती है. नहीं, मैं बोल देता हूँ, मेरे को थोड़ा और वक्त दे दीजिए. डो ऑफ तो नहीं है नाम. सो मेरे को थोड़ा वक्त दे दीजिए, मज़ा आएगा. थोड़ा इंतज़ार कर लीजिए, कुछ अच्छा ही सुनने को मिलेगा आपको. मैं ये मोमेंट शुभ मंगल सावधान के लिए रख लूँ तो बेहतर है. जी, मैं समझा नहीं है. मैं बता नहीं सकता, मतलब वो वैसे तो मेरे साथ ही हैं हमेशा. अभी तो मैं इनके साथ अपना काम करना एंजॉय कर रहा हूँ. सो आ भी सकते हैं. रखूं थोड़ा सस्पेंस, मज़ा आएगा ना. इसमें एज अ डायरेक्टर नहीं, कोई फिल्म मेकर वाली बात नहीं है, ये बहुत पर्सनल है. इस तरह की बात आपको ऑन अ वेरी ह्यूमन लेवल हर्ट करती है और एक अजीब तरह का डर आपके अंदर पैदा करती है. सो वी एक्सपेक्ट टू गो लिटिल मोर स्ट्रॉन्ग. वी एक्सपेक्ट आर सिस्टम टू वर्क टूवर्ड्स इट. क्योंकि मैं भी एट दिस एज आया है वो डॉटर. आप जब वो घर से बाहर जा रही हैं वो, तो आपके अंदर एक अजीब सा डर रहता है. सो वो डर नहीं होना चाहिए. Any room for merit? I think there is a room for merit. Anand ji, एक मिनट आपके साथ एक तस्वीर में ले लूँ, फिर मैं भागने वाली हूँ, जल्दी से ले लो. चल, क्योंकि मेरे को भागना है और इन लोग जल्दी जा रहे हैं.
हाँ ये आपके लिए मैं आ गई हूँ, नहीं तो मैं कभी आती भी नहीं। हाँ मैं कैसे बोल लूँ, मैं खुद कहाँ से आ रहा हूँ? मुझे नहीं लगता ये एग्जिस्ट करती, मुझे नहीं लगता ये एग्जिस्ट करती है। ये हर किसी की एक अपनी जर्नी होती है, वो डायनेस्टी से निकले या कोई अपने आप अपना रास्ता तय करे। सो आई डोंट बिलीव इन इट, आई हैव नो राइट टू बिलीव इन इट बिकॉज आई हैव स्टार्टेड फ्रॉम नोवेयर, देयर वाज नोबडी विद मी, सो आई डोंट थिंक सो। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू। बोलना मुझे मेन कैमरा इधर था, बच्चा बहुत धमाकेदार था। आप जाना चाहते हैं? बुलाता हूं बैठने के लिए। मैम लुक हियर, स्वप्निल वीडियो, स्वप्निल, स्वप्निल। थैंक यू, थैंक यू। यार लड्डू खाता बहुत हूँ, मैं चढ़ता नहीं मुझ पे, तो आई एम लकी लाइक दैट। मेटाबॉलिज्म बहुत फास्ट है मेरा। कितने किलो लड्डू आए यार? अभी चंडीगढ़ जाएंगे दिवाली के टाइम पे, तब वो बहुत लड्डू खाएंगे उस टाइम पे। थैंक यू, थैंक यू। Ashwin, we just had a word with the director and he said he's in process to make the part 2. What's your take on that? That's amazing yaar, par problem ye hai ki part 2 ki problem kya hogi? Part 2 mein matlab shayad over ho gaya hai. Ab plot dhoondne ki koshish karenge part 2 mein kya ho sakta hai ab. But of course picture game ne dikhaya tha ki problem theek ho gayi hai. To kya pata wo zyada hi kuch zyada hi alpha ho jaye, to you never know. So we've just looking for the plot line ki part 2 mein kya ho sakta hai, kya explore ho sakta hai, kyunki bahut hi quirky subject hai, isko aur explore kiya ja sakta hai. वही बोल रहा हूँ ना कि या तो बहुत ही अति हो जाएगी या वापस बैक टू स्क्वायर वन हो जाएगा, तो दोनों में से एक रूट चूज करना पड़ेगा। ओके आयुष्मान, यू नो फिल्म को इतनी ज़्यादा कामयाबी मिली है विद ऑल रिस्पेक्ट टू द पीपल हु आर पार्ट ऑफ बादशाह, यू नो एक इतनी बड़ी स्टार कास्ट होने के बावजूद योर फिल्म यू नो वेंट अहेड इन टर्म्स ऑफ कमर्शियल और क्रिटिकली, व्हाट्स योर टेक ऑन दैट? डू यू थिंक द कंटेंट इज ऑलवेज द किंग? आई थिंक ऑफ कोर्स कंटेंट इज ऑलवेज द किंग, बट अपार्ट फ्रॉम दैट बोथ द फिल्म्स आर सो डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर यार, तो मतलब मुझे लगता है दोनों फिल्में एक दूसरे के बीच में आई हैं। हमारी मूलतः एक मल्टीप्लेक्स फिल्म थी जो आगे जाके सिंगल स्क्रीन में बेची करने लगी, तो आई गेस बोथ द फिल्म्स वर सो डिफरेंट, द कंटेंट वर सो डिफरेंट, तो मतलब मुझे लगता नहीं कि क्लैश हुआ है किसी तरह का। ओके, वी जस्ट हैड अ वर्ड विद श्रीराम राघवन आल्सो, ही सेड यू विल गो टू सी आयुष्मान खुराना एब्सोल्युटली इन अ डिफरेंट अवतार इन द पियानो प्लेयर, व्हाट्स योर टेक ऑन दैट? ही सेड इट इज एब्सोल्युटली डिफरेंट व्हाट ही हैव डन इन टू मंगल सावधान एंड बरेली की बर्फी, व्हाट्स योर टेक ऑन दैट? या ऑफ कोर्स इट हैज टू बी डिफरेंट बिकॉज़ इट्स श्रीराम राघवन्स फिल्म, इट्स अ थ्रिलर, इट्स द जॉनर व्हिच आई एम ट्राइंग फॉर द फर्स्ट टाइम, एंड या इट्स वेरी डिफरेंट, इट्स समथिंग विच इज़ लाइक आई हैड नेवर एक्सपेक्टेड कि ऐसी स्क्रिप्ट मुझे मिलेगी, या फिर श्रीराम राघवन के साथ भी उनके लिए भी बहुत डिफरेंट है एक तरह से, क्योंकि एक म्यूजिक एंगल भी है फिल्म के अंदर, तो या आई एम रियली एक्साइटेड अबाउट इट। 40% मैंने फिल्म कम्प्लीट कर ली है, सो वी बी स्टार्टिंग द नेक्स्ट कैट आफ्टर दिवाली। यार मुझे अभी भी अपनी शुभ मंगल सावधान का कान्हा गाना बहुत अच्छा लगता है, सो आई गेस रॉकेट सैया, या रॉकेट सैया मुझे आता नहीं गाना। कान्हा ऊंची ऊंची डोरियों पे बांध ले गगर पर ना माने ना, कान्हा माने ना। थैंक यू सो मच। थैंक यू, मोर पिक्चर्स।
Political dynasty? Yeah. And if it does, then there is any way for marriage? Like you have... I guess this, we live in a day and age where merit will be the only option. Even this political dynasty which is existing, they only survive because of merit. So I think merit is the ultimate line. Yeah. For example. Thank you so much. Thanks. Guys, really good to see you, Harsh. Have you seen the film and what you like about the film? बिल्कुल मैंने फिल्म देखी है और पहले दिन देखी मैंने फिल्म और मैंने थिएटर में एक्चुअली जब ट्रेलर देखा ना दैट्स व्हेन आई मैसेज कृषिका मैम आई टोल्ड हर कि बहुत ज़्यादा ज़ोर से लोग हंस रहे हैं थिएटर में एंड दैट्स अ वेरी गुड साइन बहुत कम ऐसा देखने को मिलता है कि पीपल आर लाफिंग आउट लाउड एंड दैट्स एग्जैक्टली व्हाट वी सॉ एंड दैट्स एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड इन द फिल्म ऑल्सो ये बहुत अच्छी बात है सिर्फ ट्रेलर में नहीं फिल्म में उससे 20 गुना ज़्यादा और हम लोग हंसे तो मैं एक ज़्यादा मैं बोल नहीं पाऊँगा बट आई एम डूइंग द लुक फॉर अ फिल्म विच आई होप टू बी एबल टू अनाउंस वेरी सून थैंक यू सो मच थैंक यू सर हाँ हाँ यार मुझे याद है मैं टोली सॉर में बॉम्बे में ही रही थी हम थे मुंबई में या Hi guys. Really good to see you. Hi, how happy you are. You know, we just met a director. We said he's planning for the part 2. Yes. Well, I don't know about that, but I'm extremely happy. It's been such a fantastic last 30 days in my life. I really feel like life has completely changed. For Shubh Mangal Savdhan, I'm so happy the kind of love the film is getting. It's such an offbeat film. It's funny, it's quirky, and it's amazing is the way the audiences are reacting to the movie. Thank you so much. I'm so overwhelmed by the reaction for everything that's happening. I just have so many people to thank and just thank you. Are you ready for the part 2? Oh yeah. I'm ready for part 2, 3, 4, 10, everything. I'm just ready. You should just make it quickly. With all due respect to the people who are part of Bhasha, you know, such a big star cast and your film went ahead in terms of commercially, critically, what's your take on that? No, I think they've done really well. I haven't seen the film, so I can't really comment on how the film is. But, growing up, I was an Ajay Devgan fan. So I just want to wish everybody all the best. We still have a few weeks left till the films are off theatres. And I think both the films have done well. It's all good. Is there a possibility we can see you in some hot avatar, from Dam Lagake to Aisha to Dil Rate? In my head, my avatar has been hot in all my films. So I think that depends on the person seeing it. But, it's okay. In real life, I'm glamorous and at least I think I'm hot enough. So it doesn't matter. My work needs to say a lot more about me than just my body or my clothes and I'm very happy and yeah if I get a chance why not it'll be easier for me to do that हाँ आई कैन सिंग श्योर आप लोग सुन पाएंगे वो बड़ा चैलेंज है कौन सा गाना गाऊँ कान्हा ही गाऊंगी हाँ अच्छा ओके Because that's the only one that has that okay uchi uchi doriyon pe Oh God, I'm getting very nervous. I can't sing. मैं act करके दिखाऊँ कुछ वो मुझे आती है acting. Congratulations, first of all, another success party for you. Thank you. And you're looking gorgeous today. Thank you. My question to you is, do you think that political dynasty exists in our society? And if yes, then wow, that's very heavy for a conversation like this, huh? I'm ready to go party. I'm ready to go have this. And I always would answer, but not today. Yeah. Today is just a chill, happy day. Thank you so much, guys. Thank you. Yeah. Thank you. Thank you. Thank you. मैम हुआ नहीं
Can I do the moonwalk? No. Hi. So you saw the film? Yes. How was it? I loved it. I saw it at the pre-screening for the industry. And it was one of, I think my favorite films from this year because it was so real. And I'm very biased because Ayushman's one of my favorite actors. So everything that he does, I think, is fabulous. But the way he played that character was incredible. How did you find Bhumi's character? I mean, her performance. I love Bhumi whenever I see her. I first saw her in Dam Laga Ke Haisha, and she's so natural and she's so real and relatable. And actually, it's not acting. She knows how to get into a character and just be. And I think that's so special. And what's next in any specific projects? You are a part of or doing something? Yes, very much so. I have my ABC show airing right now in Australia called Pulse. So I've spent most of the year in Sydney shooting a medical drama with Owen Teal, who is from Game of Thrones, if any of you know who he is. Thank you. Thanks. Thank you. Bye. Sorry about the fall. काफी महीनों से एक साल से कम जगह फिट हो रही है No, still, just hail. Okay, thank you. उनसे पूछना चाहिए था आनंद क्या कहना चाहेंगे ना और ये ऑडियंस से अब तो फिल्म चाहे बिग सक्सेस आई मीन इट्स ग्रेट यार आई होप दिस काइंड ऑफ अ ट्रेंड दैट्स गोइंग ऑन राइट नाउ विद स्मॉलर फिल्म्स बट रियली मीनिंगफुल एंड नाइस एंटरटेनिंग फिल्म्स आर डूइंग वेल आई होप दिस ट्रेंड कैरीज ऑन फॉर सम टाइम एंड मोर ऑफ दीज काइंड ऑफ फिल्म्स आर मेड एंड आई ऑल्सो गेट टू एक्ट इन देम थैंक यू सो मच बाय थैंक यू